हमारे प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियानों के जरिए देश के युवाओं को स्किल करके उनको रोजगार परक बनाया जा सके। आज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं स्किल समाचारों से जुड़ा हुआ एक नया सेगमेंट जिसका नाम है स्किलिंग इंडिया। तो आइए देखें कैसे विकलांग युवाओं को बनाया जाएगा हुनरमंद। कहते हैं विकलांग होना कोई अभिशाप नहीं है। सर्वश्रेष्ठ विकलांग कर्मचारी का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके चारू दत्ता उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो जीवन में विकलांगता के चलते घबरा जाते हैं। सेंसेक्स 2011 के मुताबिक देश में तकरीबन 2.68 करोड़ लोग विकलांग हैं। 15 से 59 साल के विकलांगों की संख्या तकरीबन 1.34 करोड़ है जो कि कोई भी काम कर सकते हैं। में विकलांग व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों की जनसंख्या 2.68 करोड़ है जिसमें 1.5 करोड़ पुरुष तथा 1.85 करोड़ 85 लाख महिलाएं हैं। इनमें से अधिकांश में एक सशक्त कार्यबल के रूप में कार्य करने की क्षमता है, तथापि अच्छे कौशल और श्रम बाजार की जानकारी की कमी के कारण उन्हें सार्थक रोजगार की उनकी ज़रूरतों को अभी भी पूरा नहीं किया जा सका है। चीन जैसा देश जिसकी आबादी लगभग 1.5 बिलियन है, दुनिया का सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी आबादी, वहाँ भी लगभग 43% लोग प्रशिक्षित हैं कौशल में। अमेरिका जिसकी आबादी लगभग 350 मिलियन है, वहाँ भी लगभग 55% लोगों को स्किल्स हैं। यूके लगभग 68% लोग उस देश के दया स्किल, 74% लोग जापान के प्रशिक्षित हैं, उन्हें कौशल योग्य हैं। कोरिया 96% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्किल्ड एंड व्हाट वी आर टॉकिंग इन इंडिया इज जस्ट द 2% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्किल्ड एंड दैट इज फॉर द एंटायर कंट्री। हियर वी आर सेटल्ड टू डिस्कस दैट स्मॉल कंपोनेंट विद इन दैट चैलेंज। पिछले दिनों विकलांग लोगों को भी स्किल करके उनको रोजगार परक बनाने की राष्ट्रीय कौशल परीक्षण कार्य योजना की शुरुआत दिल्ली में भारत सरकार द्वारा की गई। प्रधानमंत्री जी ने अपनी ये कौशल विकास योजना एक नई अप्रूव कर दी है, उसमें एक कंपोनेंट पीपल विद डिसेबिलिटीज का है और बड़ा कंपोनेंट है, उसमें रिवॉर्ड भी बड़ा है ताकि इन लोगों को किसी से मोटिवेट कर सकें कि आइए स्किल डेवलपमेंट कीजिए और हम आपके लिए एक तरह का लाइवलीहुड कम एम्प्लॉयमेंट का जरिया बना सकें। विकलांगों के इस कौशल परीक्षण की शुरुआत सामाजिक न्याय व आधिकारिकता तथा कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालयों ने एक साथ मिलकर की है। इस सहभागिता के जरिए तकरीबन 25 लाख विकलांग युवकों को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार परक बनाया जा सकेगा। हमने लक्ष्य तय किया है लगभग 25 लाख ऐसे लोग जो विकलांग जन की श्रेणी में आते हैं उनको हम कौशल प्रशिक्षण देंगे और इस काम को करने में कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता मंत्रालय और मेरे मंत्रालय में MOU भी हुआ है। हमारे मंत्रालय ने भी कार्य योजना बनाई है, उनके मंत्रालय में भी कार्य योजनाएं बनाई है। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे तमाम NGOs, जानकारों और कॉरपोरेट जगत का मानना था कि इस प्रयास से जुड़कर विकलांग युवाओं को अपना भविष्य और करियर बनाने का न सिर्फ मौका मिलेगा साथ ही वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे।